नमस्कार, वेलकम टू श्री राधा बल्लभ अकेडमी किड्स। टुडे आई विल टीच यू एनवायरमेंटल स्टडी एंड अवर चैप्टर इज गुड मैनर्स। सो लेट अस सी अवर वार्म अप एक्टिविटी। टेक द गुड मैनर्स एंड टेक द करेक्ट द गुड मैनर्स एंड रॉन्ग फॉर बैड मैनर्स। यानी कि आपको क्या करना है, जो इसमें पिक्स है हमारी, उस पिक्स में जो गुड मैनर्स है उस पर राइट का निशान लगाना है और जो बैड मैनर्स है उनको क्या करना है, उसके ऊपर हमको रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, सो आप लोग ये एक्टिविटी घर पर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देयर वर टू फ्रेंड्स आयुषी एंड रोहन। यानी कि हम जो है वो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग एक कहानी से करेंगे, जो कि दो फ्रेंड्स हैं आयुषी एंड रोहन। लेट अस रीड अ स्मॉल स्टोरी अबाउट दीज टू फ्रेंड्स। इट वॉज रोहन्स बर्थडे, ही इनवाइट आयुषी टू हिज बर्थडे पार्टी। यानी कि हम जो हमारा चैप्टर उसकी शुरुआत है वो दो दोस्तों से करेंगे और जो इसमें रोहन का बर्थडे है वो क्या कर रहा है, आयुषी को अपने बर्थडे पर बुलाता है। हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू आयुषी। हेलो आंटी, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू आयुषी। यानी आंटी ने उसको आयुषी को क्या बोला, फाइन थैंक यू, है ना। तो ये सब क्या है, ये गुड मैनर्स हैं। सो यस, आयुषी प्लीज हैव सम स्वीट। जो आंटी है वो आयुषी को क्या बोल रही है, बेटा थोड़ा सा जो आपको स्वीट्स हैं ले लीजिए। सो आयुषी क्या बोल रही है, सॉरी आई विल फर्स्ट हैव सम वाटर। आंटी सबसे पहले मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। आयुषी एंजॉय द पार्टी विद हर फ्रेंड्स। A lot of thanks Rohan's mother and left for home. यानी कि जो आयुषी है वो क्या करती है, वो रोहन की पार्टी को इंजॉय करती है और बहुत सारा फन करने के बाद में अपने घर को चली जाती है। ठीक है, सो वाई डू यू थिंक डिड आयुषी थैंक रोहन्स मदर? आपको क्या लगता है आयुषी ने जो है रोहन की मदर को थैंक यू क्यों बोला होगा? यस, वी नो मदर डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरी डे। हैव यू एवर थैंक्ड योर मदर? मेक अ लिस्ट ऑफ गुड थिंग्स यू शुड थैंक हर ऑन अ मदर्स डे। यानी कि आपकी माँ जो है आपके लिए घर में बहुत सारी चीजें करती है, क्या आपने उनको कभी नोटिस किया है? यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है और उनको थैंक बोलना है, क्या कब बोलना है, मदर्स डे पे। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स हैं आपके, इसमें आपको ये सारा इस आपको खुद ही फिल करना है और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब मैं उसको आपको चेक करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट पिक्स में हम देख सकते हैं हाउ डू यू ग्रेट योर टीचर। अपने टीचर को आप कैसे ग्रेट करते हैं, जाते हैं जब आपकी टीचर्स आपसे मिलती है तो आप बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, नेक्स्ट पिक्स में हम क्या देख रहे हैं, हाउ डू यू विश योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यू रीच होम आफ्टर स्कूल। यानी कि जब आप घर जाते हैं स्कूल के बाद में, तब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे ग्रीट करते हैं। ठीक है, प्लीज चलिए अपना पेज टर्न करिए। नेक्स्ट पिक में हम क्या देख पा रहे हैं, हाउ डू यू ग्रेट योर फादर व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग। यानी कि जब आपके पापा घर आते हैं शाम को ऑफिस से, तो आप उनको कैसे ग्रेट करते हैं क्या नहीं करते हैं? मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे करते ही नहीं होंगे, उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन घर में आ रहा है कौन जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना है। ये क्या है, ये सब हमको गुड मैनर्स बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट पिक्स में व्हाट डू यू से व्हेन यू गो टू बेड।
यानी जब आप बेड पर जाते हैं तब अपनी माँ को गुड नाइट बोलते हैं? नहीं बोलते होंगे। और बट अब से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें फॉलो करनी है। डू यू थिंक दीज हैबिट्स आर कॉल्ड गुड मैनर्स, यानी कि आप लगता है क्या ये सारी चीजें हैं जो गुड मैनर्स हैं? व्हाट मेक यू अ गुड मैनर्स चाइल्ड, या आपको क्या बना, जो बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एक अच्छा बच्चा बनाते हैं, क्योंकि जब आप गुड मैनर्स जानेंगे तभी इन चीजों के बारे में तो पता चलेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बी पंक्चुअल रेगुलर टू स्कूल, यानी कि हमको रेगुलर स्कूल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना है, लेट नहीं आना है। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, अपना जो वर्क है वो टाइम पर फिनिश करना है। रिस्पेक्ट एंड ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है और उनको इज्जत देना है। नेक्स्ट है हेल्प द नीडी, कोई जरूरतमंद है तो हमको उसकी हेल्प करनी है। बी काइंड पोलाइट टू एवरीवन, हमको हर किसी से बहुत ही पोलाइट वे में बात करनी है, किसी पर चिल्लाना या डांटना नहीं है और ना ही अकड़ना है। ये क्या है, ये सब बैड मैनर्स होते हैं, लेकिन आप अगर हर किसी से पोलाइट अच्छे वे में बात करोगे तो वो गुड मैनर्स में आता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट, हमेशा सच बोलना चाहिए और ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ में रहना चाहिए। यूज दीज मैजिक वर्ड प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना आपसे अगर हो सके हमको ये थ्री मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। फर्स्ट इज प्लीज, सेकेंड इज थैंक यू एंड थर्ड इज सॉरी, है ना। तो इन सबको जब आप यूज करेंगे तो एक गुड बच्चे के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपसे आपको फॉलो करनी है और चैप्टर मैं अपना यहीं पर क्लोज करती हूँ। चलिए, नमस्कार।